Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to solve example 9th of the chapter probability for class 10th. This example says Harpreet tosses two different coins simultaneously. Ek saath wo do coins toss karti hai. What is the probability that she gets at least one head? अब पहले तो at least और at most का हम मतलब समझ लेते हैं. अगर हम कहते हैं at least one का मतलब क्या होता है? One और वन से ज्यादा, वन एंड मोर देन वन, और एटमोस्ट वन का मतलब क्या होता है? वन एंड लेस देन वन. जीरो इज इंक्लूडेड, जीरो को हम गिनते हैं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब दो कॉइन टॉस हो रहे हैं, दो कॉइन टॉस हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये आएंगे हमारे पास. एच एच, ठीक है. अब क्वेश्चन में बोला है उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड. प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, वन और वन से ज्यादा, तो कौन सा है? ये है एक, एक ये है, एक ये है. तो फेवरेबल कितने हो गए? थ्री. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? फोर. तो 3/4 इज योर आंसर. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू सो मच.